यस, परम्यूटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होती है, वो होता है डिक्शनरी प्रॉब्लम। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम्स आती है? क्योंकि डिक्शनरी के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका एक ही रीजन होता है कि उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होना। तो मैं आपको अभी जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिक्शनरी प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन, और इसमें क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताता हूँ। पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये टाइप आपकी क्लियर नहीं होगी तो आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिक्शनरी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी सब प्रॉब्लम्स आप कर लोगे, पर डिक्शनरी प्रॉब्लम विदाउट कंसेप्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज एक वर्ड है मदर। अब मैं आपसे बोलूं फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर। सपोज अगर मदर एक वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर को अरेंज करके आपको यह बताना है कि मदर की क्या रैंक होगी। अब दो तरह के टाइप होते हैं इसमें। टाइप नंबर वन कि आपको वर्ड दिया होगा, उस वर्ड की रैंक पूछेंगे। नंबर टू, रैंक दी होगी और रैंक पर वर्ड पूछेंगे। दोनों एक रिवर्सिबल चीज है। तो पहले वर्ड से हम रैंक निकालना सीखते हैं और फिर रैंक से हम वर्ड निकालना सीखेंगे। एक ही क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बनती है, कई बार लेटर्स भी रिपीट होते हैं, वो भी एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले तो जो आपको लेटर दिए गए हैं, सबसे पहला रूल है कि उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें। आप सबको अच्छे से ABCD आती है, नो डाउट, पर फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है या हिंदी मीडियम वालों को कई बार दिक्कत होती है, आप बिल्कुल साइड में ABCD लिख लें। इस ऑर्डर में ही लिखें, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले इस ऑर्डर में आप ABCD लिख लीजिए। अब उसके बाद इन लेटर्स, इस जो वर्ड में लेटर्स दिए हैं उनको एक एक करके निकालिए। जैसे अब आपको दिख रहा है कि सबसे पहले अगर कोई लेटर आएगा तो वो ई आएगा, तो आपने जैसे ई लिख दिया, राइट, इससे देखते हुए चलो। फिर ई के बाद अगर कोई अगला लेटर आएगा तो कौन सा होगा, वो एच होगा, तो एच लिख दिया। एच के बाद कोई अगला लेटर आएगा तो एम होगा, तो एम लिख दिया, राइट, जैसे देखिए एम। एम के बाद कोई अगला लेटर आएगा तो ओ लिख दिया। ओ के बाद अगला लेटर कोई आएगा तो आर लिख दिया। आर के बाद टी। नॉर्मली ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर कभी भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अगर इनको अल्फाबेटिकली नहीं लिखा तो ही हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो डिक्शनरी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से समझाता हूं, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि डिक्शनरी के जो जो क्वेश्चन जो टाइप बताऊंगा उसके बाद आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करी कि पहले इनको, इन जो वर्ड दिया है इनके लेटर्स को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली अरेंज करा। अब जब भी कभी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो एक चीज याद रखिए, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर हैं। अगर 6 लेटर को केवल अरेंज करना होता तो कितने तरीके होते, तो आपको पता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी फैक्टोरियल 6 या 720, यानी इस वर्ड से टोटल जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनेंगे वो 720 वर्ड बनेंगे, जो मीनिंगफुल होंगे, उसमें कुछ मीनिंगलेस होंगे। और जब भी कोई वर्ड बनेगा तो उसका पहला वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड क्या होगा, ये पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बार टाइप समझ में आ गई तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो समझिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो 720 वर्ड बनने वाले हैं, अगर मैं पूछूं कि इसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, तो याद रखिएगा डिक्शनरी में हर वर्ड अल्फाबेटिकली बनता है, तो इसका पहला वर्ड। और याद रखिए परम्यूटेशन का ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन भी, अगर आपसे पूछें कि परम्यूटेशन का एप्लीकेशन क्या है, तो हमारी ये रेगुलर लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है, और इसका एक एप्लीकेशन डिक्शनरी प्रॉब्लम्स है, पिन कोड नंबर है, STD नंबर है, मोबाइल नंबर है, मैंने पूरा बेस बताया उसमें। एक इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी एक अलग से क्लास ले रहा हूं उसकी डिक्शनरी की, जिससे आप समझ पाए। तो इसका फर्स्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, EHMORT, ये फर्स्ट वर्ड होगा। अगर मैं बोलूं कि सेकंड वर्ड क्या होगा तो EHMOTR, ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट वर्ड जो होगा वो होगा TROMHE, ये होगा 720। अब इसमें ही कहीं ना कहीं एक जगह मदर भी आएगा तो उसकी रैंक बतानी है, या मैं कोई और भी आपको वर्ड दे दूं तो उसकी रैंक बतानी, ये पहला टाइप हुआ। सेकंड कि मैं आपको, जैसे इसमें आपको पता 720 वर्ड बनने वाले हैं, तो मैं आपसे बोलूं कि बताइए फाइंड द रैंक पोजीशन ऑफ 144 रैंक वर्ड, मतलब 144 रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा, या मैं आपसे बोलूं कि 600 पर कौन सा वर्ड आएगा, 614 पे कौन सा वर्ड आएगा, लाइक दिस। तो ये टू टाइप्स होते हैं। तो पहली टाइप पहले अच्छे से समझिए कि क्या है। सबसे पहला रूल कि जो भी वर्ड दिया गया है
उस वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करिए, करा आपने अल्फाबेटिकली, देन उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बहुत अच्छे से समझिए, पहले मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा, फिर इसके शॉर्ट तरीके पे आएंगे हम कि इसको कैसे हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया अल्फाबेटिकली, और 720 में से मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि फर्स्ट वर्ड क्या है, सेकंड क्या है, इस तरह से 720 वर्ड क्या होंगे। अब मैं बात करता हूं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब सबसे पहले देखिए क्या करना होता है। सबसे पहला रूल यह होता है, फर्स्ट वन रूल यह है कि आप ये देखिए कि जो आपको वर्ड बोला है उसका पहला लेटर क्या है। उसका पहला लेटर एम से स्टार्ट हो रहा है, पर जो फर्स्ट वर्ड बनेगा वो ई से बनेगा, ई के बाद एस से बनेगा, एस के बाद एम से। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ई से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड क्या होंगे, ई से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड क्या होंगे, या एस से, इसको एक साथ भी कर सकते हैं, ई और एस से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि ई और एस से जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो आपके काम के नहीं, आपका पहला जो रिक्वायर्ड वर्ड है वो है एम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टू पॉसिबिलिटी हुई ई एच की, एंड देन 5 4 3 2 1, 120 × 2 = 240। इसका मतलब कि आपका जो आंसर होगा वो 240 से बड़ा होगा। आप सपोज एक ही ऑप्शन ऐसा हो देन आप मार्क कर सकते हैं, पर मोर देन टू हो तो फिर आप पूरा करेंगे। अब ना ई से ना एस से, पहला लेटर आपको क्या है एम। जैसे ही आपका रिक्वायर्ड लेटर मिले, एम आ गया, उसको बॉक्स बना ले, इसको कट कर दे। एम के बाद, अच्छा लेटर हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज होंगे हमेशा। अब एम के बाद आपको नेक्स्ट चाहिए ओ, पर पहले क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा एच, फिर आएगा ओ। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझिए इस प्लेस पर ई और एच आ सकता है, ये टू पॉसिबिलिटी हुई, और यहां पर 4 3 2 1, ये हमारे काम के नहीं है, 48, राइट, ये 48 और ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 288, इससे बड़ा आंसर होगा। अब ई और एच वाले नहीं लेना है, हमें ओ वाले लेना है। जैसे ही आपको रिक्वायर्ड लेटर मिले वैसे ही आप उसको बंद कर दें, एम ओ, ओ को किट कर दिया। अब दो लेटर के पोजीशन फिक्स हो गए, इसको बॉक्स बनाते हुए चले। अब आते हैं हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। अब सबसे पहले एम ओ के बाद ई आएगा, आपको रिक्वायर्ड है ध्यान दीजिएगा, टी, ई आएगा, ई वाला नहीं चाहिए, एच नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, टी वाला चाहिए। तो इसका मतलब ई एच और टी आर से जो बनने वाले हैं वो नहीं लेना है, ई एच और आर वाले नहीं लेना है। तो इसके क्या वे होंगे, इसमें हर तरह की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि अगर लेटर रिपीट हो रहे होंगे तो क्या होगा, ये सब। ये हो गया थ्री वेज, यहां पर बचे तीन लेटर 3 2 1, तो 9 3 जा, ये हो गया 6 3 जा 18, 18 और ऐड कर दीजिए। ये ऐड करते चलना चाहिए आपको कायदे से 03, यानी 306 से बड़ा आंसर होगा। अब ना ई की जरूरत है, ना एच की, ना आर की, उसके बाद क्या चाहिए आपको, टी, तो आप लिखेंगे एम ओ टी, ये टी भी कट। अब इसका मतलब तीन लेटर आपके फिक्स हो गए। अब आपको नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन पे कौन सा चाहिए, फोर्थ पोजीशन का लेटर है एच, पर पहले क्या आएगा ई, तो ई वाले नहीं चाहिए, तो ई वाले नहीं चाहिए, तो ई वाले कितने होंगे 2 1, तो 2 और ऐड कर दीजिए, देन 308। अब ई के बाद एच चाहिए आपको, तो एच ले लेते हैं, एम ओ टी एच, ये कट हो गया। अब इसके बाद आपको ई और आर चाहिए, पर अगला लेटर भी ई और आर का ही बनेगा अल्फाबेटिकली देखते चलिए, ई आर, यानी इसका मतलब ये 1, तो टोटल 308 प्लस 1 यानी 309। सिंगल क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो आप पहले समझिए, आपने सबसे पहले इसे अरेंज किया अल्फाबेटिकली, देन आपको जो क्वेश्चन में वर्ड बोला है वो देखना, जैसे स्टार्ट करना है किससे, एम से, पर आपको पहले मिलेगा ई एच, वो काम का नहीं था, जैसे एम आया कट करा, फिर अगला लेटर ओ चाहिए, जैसे ओ आया कट करा, फिर अगला लेटर टी चाहिए, इस तरह से एक एक करके कट करते चलेंगे। तो जब आप इसकी 5-10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, और मैं अभी इसी क्वेश्चन के साथ आपको पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा, अलग अलग वर्ड देखे कि क्या करना है। तो पहले ये नोट कर लो आप। अब देखिए इसी में एक वर्ड और लेते हैं हम, इसी मदर का ही एक वर्ड और लेते हैं जिसकी रैंक पता करते हैं। और देखिए मैं आपको फिर बोलूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, पर जैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अब जैसे मैं बात करूं आपसे कि इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस वर्ड की रैंक बताइए, टी
एच ओ आर टी एच ओ आर ई एम टी एच ओ आर ई एम इसका रैंक बताना है। मान लो आपको मैं फ्रेश क्वेश्चन देता कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टी एच ओ आर ई एम, राइट। अब इसकी रैंक कैसे बताएंगे, देन अगेन जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकली अरेंज करें। तो इसके दिए गए लेटर को जब अल्फाबेटिकली लेंगे तो पहले ई, फिर एच, फिर एम, फिर ओ, फिर आर और फिर टी। ये सबसे पहला काम आपको करना है। जैसे ही आपने ये किया अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिक्स लेटर वर्ड बनाना है और रैंक बताते समय ध्यान रखना है जो आपका पहला लेटर है वहां उसके पहले जो बन रहा है वो पहले अलग करें। सबसे पहले अगेन मैं बोलूंगा कि इस लेटर से बनाना है, फैक्टोरियल 6 यानी 720 टोटल वर्ड बनेंगे। अभी क्वेश्चन सेम दे रहा हूं, इसी में कहीं एक ऐसी जगह वर्ड आएगा जिसका वर्ड आएगा टी एच ओ आर ई एम, इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है। फिर मैं आपको रैंक दे के वर्ड भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपको बोला गया है टी एच ओ आर ई एम, यानी स्टार्टिंग प्लेस टी हो, तो स्टार्टिंग प्लेस टी हो पर जब वर्ड बनना स्टार्ट होगा तो पहला वर्ड ई से बनेगा। ई से बनने वाले जितने वर्ड होंगे, जैसे मैं एक बात फॉर एग्जांपल कि ई से कितने वर्ड बनेंगे, तो ई को फिक्स किया तो 5 4 3 2 1 यानी 120, ये वर्ड काम के नहीं है। ऐसी एच से भी 120 बनेंगे, ये भी काम के नहीं है। ऐसी एम से 120 बनेंगे, काम के नहीं, मतलब स्टार्टिंग लेटर यही होना चाहिए। ऐसी ओ से 120 बनेंगे, ये भी काम के नहीं। ऐसे ही आर से 120 बनेंगे, वो भी काम के नहीं है। पर जैसे ही टी पे नंबर आएगा आपका रिक्वायर्ड लेटर मिल गया। तो इसका मतलब अब इसको अलग अलग करने की जगह हम एक बार में भी कर सकते हैं कि फर्स्ट प्लेस पर ई ऑब्लिक एच एम ओ और आर में से कोई एक हो, यानी 5 पॉसिबिलिटी है, और यहां पर फिर कोई एक आएगा तो 5 4 3 2 1 यानी 120 × 5 600। आपको जो आंसर मिलेगा वो 600 से बड़ा होगा, ये डिसाइड पहली बार में हो गया। अब 600 तक जो भी वर्ड बन रहा है उसका पहला लेटर या स्टार्टिंग लेटर टी नहीं है, इसका मीनिंग ये हुआ। अब इसके बाद जो पहला लेटर होगा वो आपका रिक्वायरमेंट है टी, जैसे ही आपका आया आपने इसे कट कर दिया, ये मत भूलिएगा कभी भी, और इसको एक बॉक्स बना लो कि टी हो गया। अब हमें 5 लेटर्स को अल्फाबेटिकली फिल लेना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाना है। टी के बाद आप चाहते हैं कि एच आए, पर टी के बाद एच नहीं आएगा, टी के बाद पहले ई वाले वर्ड आएंगे, ई वाले वर्ड के बाद फिर एच वाले आएंगे, तो ई वाले कितने होंगे, तो ई को यहां लू तो 4 3 2 1 यानी 24 यानी 600 प्लस 24, इससे बड़ा आंसर होगा। बाई चांस अगर एक ही ऑप्शन में ये है तो बात खत्म, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा होता है। तो टी ई वाले नहीं है, फिर टी एच वाले चाहिए। अब आपके पास दो लेटर की पोजीशन फिक्स हो गई, अब केवल 4 की बात करेंगे। अब जैसे ही जो चीज फिक्स हो उसको कट करना मत भूलना, नहीं तो आप दोबारा काउंट कर सकते हैं। एच के बाद आप चाहते हैं ओ आए, क्योंकि आपको जो वर्ड दिया वो का है, बट एच के बाद ओ नहीं आएगा, पहले आएगा ई और फिर आएगा एम, और ये ई और एम वाले आपको नहीं चाहिए, राइट। ई एम वाले नहीं चाहिए, इसका मतलब ई और एम से कितने बनेंगे, ये ई एम लिखा तो 2 3 2 1 6 2 12, ये 12 नहीं चाहिए, ये भी ऐड कर दीजिए, यानी 636 से बड़ा आंसर होगा, राइट। अब मैं बात करता हूं इसके बाद कि अगर आपको ये बोला जाए कि ई और एम नहीं चाहिए, ओ चाहिए, तो ओ आ गया, जैसे ही वो आया कट करा, और अब आपको अगला लेटर जो मिल गया वो 3 हो गए फिक्स, टी एच और ओ, ये 3 फिक्स हो गए। अब रिमेनिंग 3 की पोजीशन लेनी है और कट कर दिया। अब उसके बाद आपको रिक्वायर्ड है आर, पर आएगा पहले, मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया, पहले आएगा ई फिर आएगा एम, तो ई और एम वाले कितने होंगे, ई और एम, तो ऑब्वियसली 2 ई एम और ये 2 1 यानी ये हो गया 4, ये 4 और ऐड कर दीजिए 640। अब आपके पास टी भी आ गया, एच भी आ गया, ओ भी आ गया और आर भी आ गया। अब आपको इसके बाद बाई चांस ई और एम ही बोला है और ई एम ही आएगा, क्योंकि ई और एम है, तो ई और एम यानी एक और ये हो गया, तो 641 इज आ राइट आंसर। इज दैट क्लियर, 641 इज आ राइट आंसर। यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, प्रॉपर मेथड होता है, जब भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको वर्ड दिया सबसे पहला काम ये करिए कि उस वर्ड का
आप उस वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करिए, फिर जिस वर्ड की रैंक पूछी उस वर्ड के हर लेटर को देखिए, पहला पोजिशन का लेटर जैसे ही वो आए उसका सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी हैं। एंड रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी क्वेश्चन करें तो पहले ये पता कर लें कि टोटल कितने वर्ड बन रहे हैं, और जो भी वर्ड पहला बनेगा वो बनेगा हमेशा डिक्शनरी के ऑर्डर में, इसलिए पहले लेटर को अरेंज करते जाइए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये हुआ टाइप नंबर वन। टाइप नंबर टू में क्या होता है कि टाइप नंबर टू में आपको मैं बोलूं कि फाइंड द वर्ड इन द पोजिशन ऑफ 641, यानी 641 पोजिशन पे कौन सा वर्ड होगा। तो अब इसमें से इन द वर्ड ऑफ मदर, तो 641 पे क्या आएगा, THOREM। या मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द रैंक पोजिशन ऑफ वर्ड 481, या मैं आपसे बोल दूं 482, ऐसा कुछ भी बोल सकता हूं, कोई भी नंबर बोल सकता हूं। तो इसका मतलब आपको रैंक देके वर्ड पूछ सकते हैं और वर्ड देके रैंक पूछ सकते हैं। तो वर्ड देके रैंक पूछा है तो आपसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें, पर वर्ड देके और फिर रैंक देके आपसे वर्ड पूछा जाए तो वो क्या करते हैं वो भी बताता हूं। पहले इसी क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन समझें कि मान लो मैं आपसे बोलता, इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि मैं आपको मान लो एक बोलूं कि एक रैंक ले लेते हैं, मान लो मैंने एक रैंक ली, सपोज मैंने एक रैंक ली 483, फाइंड द वर्ड इन द पोजिशन ऑफ 483 इन द लेटर ऑफ द वर्ड मदर। मान लो मदर लेटर से जितने भी वर्ड डिक्शनरी से बन सकते हैं, सुनिए क्वेश्चन क्या है, मदर से जितने भी वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बन सकते हैं परम्यूटेशन, उन वर्ड में से आपको बताना है कि 483 पे क्या वर्ड आएगा। ये मैं आपको टाइप नंबर टू बता रहा हूं। देन अगेन सबसे पहले जो भी वर्ड दिया उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया आपने, ये अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब आपको 483 पोजिशन का वर्ड बताना है, क्या करेंगे समझिएगा अच्छे से कि 483 पे क्या आएगा ये अगर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम समझें कि 483 का अगर आपसे पूछा गया है इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले ये आपने मदर वर्ड से 483 रैंक पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो नंबर वन कि आपने इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करा, अब आप बोलेंगे कि ई से स्टार्ट होने वाले, अब इसको डायरेक्ट ही करेंगे ई से स्टार्ट होने वाले, तो आप बोलेंगे ई को छोड़ें तो 5 4 3 2 1 यानी 120। सबसे पहले तो आप 480 के आसपास पहुंचे, फिर ई के बाद एच वाले भी सेम वही 120 होंगे, एम वाले भी 120 होंगे, ओ वाले भी 120 होंगे, ये हो गया 480। अभी मैंने आपको 483 लिख दिया है, पर नॉर्मली जो बुक से क्वेश्चन देखेंगे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के उसमें अक्सर 120 पे खत्म होता तो आपसे 121 या 119 पूछेंगे, 240 पे खत्म होता तो 241 239 पूछेंगे। पर मैं आपको हर तरह का कंसेप्ट बताता हूं, आप जो बोलेंगे वो आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। तो अभी हम 480 तक पहुंच गए, मतलब हमारा जो वर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर ना ई है ना एच है ना एम है ना ओ है, उसका स्टार्टिंग लेटर डिसाइड हो गया कि आर है और आर को फिक्स कर दिया। अब समझिए ये आर को अगर मैं ले लूं तो 480 तक आ गए, 3 तो लेना है और, तो हम क्यों ना इसी को पूरा बढ़ाने की कोशिश करें कि 481 क्या होगा। तो देखिए आर को लेके 481 ऐसे होगा, अरेंज डिक्शनरी में होगा, तो आप बोलेंगे ई एच एम ओ टी, ये हुआ 481। अब पीछे ही रोटेट होंगे फिर होगा आर ई एच एम टी ओ, दिस इज 482। अब केवल ये M और O को रोटेट करना होगा तो R E, क्योंकि इन थ्री लेटर के 6 बनेंगे, R E H O M T, दिस इज 483। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 483 रैंक पे कौन सा वर्ड होगा तो आप बोलेंगे R E H O M T, राइट। यानी ये इसका रिवर्स प्रोसेस कहलाता है कि रैंक देके वर्ड बताना, वर्ड देके रैंक या रैंक देके वर्ड, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं, आपको एक एक करके समझ में आता जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है और एक ही क्वेश्चन को लेने का पर्पज ये है, आपको पूरा परम्यूटेशन में मैं कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन के थ्रू वो सारी चीजें बता पाऊं जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन कर लें। पर पहले जरूरी होती है कि हम कंसेप्ट को बिल्ड करें। तो देखिए यहां पर ये बात समझ में आई आपको कि 481 482 483 ऐसे कोई भी बता सकते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता
फाइंड द पोजिशन ऑफ 150. अब आपसे पूछा नियरेस्ट आता है 120 के आसपास, मतलब इनके नियरेस्ट जहां पे, पर मैं आपको बीच का भी तरीका बताता हूं. मान लो मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द रैंक पोजिशन ऑफ रैंक 150 वर्ड, मतलब 150 रैंक पर कौन सा वर्ड होगा. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हम समझें कि ये 120 तक आ गए, ये आप 120 तक आ गए. अब 120 पे जो वर्ड ई वाले हैं, अब आपसे 150 बोला है, अगर हम एच की बात करें तो एच से भी 120 ही बनेंगे, तो इसका मतलब 240, तो आपका आंसर एच से स्टार्ट होगा. ये डिसाइड हो गया, राइट? आपका आंसर एच से डिसाइड होने वाला, ये तो डिसाइड हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने एच वाले वर्ड को फिक्स किया. अब अभी आपको 150 पे जाना है, यानी टाइम लगेगा, तो एच फिक्स किया, तो एच को हमने कट करा. अब एच के बाद हमारे पास पांच पोजीशन है, हम समझें. सबसे पहले ई से स्टार्ट होंगे, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? 4, 3, 2, 1, मतलब एच ई के, तो 24. तो 120 तक आप पहुंच गए थे, 24 ऐड करा, 144, अभी 6 और जाना है. तो ई वाले तो नहीं होंगे एच ई, तो इसका मतलब एच ई के बाद आएगा एम, तो एच एम होगा, क्योंकि एच एम से कितने होंगे, वही देन सेम 4, 3, 2, 1, यानी 24, तो आंसर यहीं छुपा है, क्योंकि आपको इसके बाद 6 पे जाना है. तो इसका मतलब हमें अगला लेटर भी मिल गया. पहला लेटर मिल गया हमें एच, दूसरा लेटर मिल गया हमें एम, कट कर दिया. कट करने का एडवांटेज आपको समझ में आ रहा होगा कि अब आप इसे नहीं सोचेंगे. तो अब एच और एम के बाद अब बताइए इस पोजीशन पे सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली ई. तो ई वाले कितने होंगे? तो 3, 2, 1, यानी 6. इसका मतलब 144 में 6 ऐड कर दे तो 150, यानी इससे जो एच एम ई के बाद जो 3 लेटर का सबसे आखिरी वर्ड होगा वो आंसर होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि एच एम ई के बाद, आप समझिए, एच एम ई के बाद जो आएगा वो आएगा ओ आर टी. अब इसी को अरेंज करना है, ओ टी आर, फिर आर ओ टी, आर टी ओ, फिर टी, मान लो टी लिया तो टी के बाद ओ आर, फिर टी के बाद आर ओ. ये है 145, वन समझाने के लिए लिख रहा हूं, 147, 148, 149, 150, आपसे जो पूछा जाए वो बता सकते हैं. इसका मतलब यहां पर 150 पोजीशन पे आएगा एच एम ई टी आर ओ, एच एम ई टी आर ओ. यानी आप क्वेश्चंस को कितने इजीली कर सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप क्वेश्चंस को किस तरह से सोचते हैं. तो आपको अगर रैंक दी और वर्ड बताना तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस शर्त है कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप जो चाहें वो बता सकते हैं. मान लो मैं आपसे बोलूं, 720 टोटल वर्ड बनेंगे इसमें, मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताइए 365 पे क्या आएगा, या सपोज 345 पे क्या आएगा, राइट? आप रैंक वर्ड बताना, रैंक ऑफ 345 क्या करेंगे, देन अगेन सेम प्रोसेस को ही फॉलो करें, आपसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखिए, फिर आपने अल्फाबेटिकली अरेंज किया, फिर अल्फाबेटिकली अरेंज किया और 345 तक जाना है. तो 345 तक कैसे जाएंगे वो देखिए, समझिएगा, आपको अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई से कितने स्टार्ट होंगे. स्टार्ट विथ ई, ई वाले अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, ई को रखा तो वही सेम 5, 4, 3, 2, 1, 120. ई के बाद एच से भी 120, एच के बाद एम से भी 120, पर मैं इसको ऐड करूं तो 360 होता है. मेरा आंसर 345 पे लेना है, मतलब मुझे स्टार्ट एम से करना है. ये डिसाइड हो गया, ये डिसीजन, ये पहला डिसाइड हो जाता है कि पहला लेटर क्या है, सेकंड लेटर क्या है, थर्ड क्या है. आप 720 में से 720 खुद क्वेश्चन लो, खुद बनाओ क्वेश्चंस, अपने आप कंसेप्ट बनेंगे, अपने आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे. यस, तो यहां पर आ गई बात कि 360 टोटल में इसमें आंसर आपका छुपा हुआ है, यानी आपका पहला लेटर एम फिक्स हो गया. एम फिक्स हो गया तो एम को कट भी कर दिया.
अब आप पर एम तक जाने में आपको समझ लीजिए 240 हुआ है। अब देखिए 345 तक जाना है, कितना बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके साथ कर रहा हूं शेयर। अब क्या वर्ड होगा समझिएगा, एम के बाद जो सबसे पहले, मतलब एक फिक्स हो गया बॉक्स 1 2 3 4 5, एम के बाद सबसे पहले आएगा ई, ई के साथ कितने 4 3 2 1 24। अभी तो आपको 345 तक जाना है, इसका मतलब 105 और चाहिए ना लगभग, तो 24 से काम नहीं होगा। ई के बाद बोलो, ई के बाद एच, एच के भी 24, वो भी काम के नहीं। ओ के भी 24, मतलब इस प्लेस पर ओ आए। ओ के बाद आर के भी 24, दिस इज 96। अगर मैं इसके बाद 24 लेता तो 120 हो जाता, हमें 105 तक जाना है, यानी यहां तक नहीं होगा, यानी ई एच ओ आर सेकेंड पोजिशन पे नहीं होगा। तो क्या होगा, आर के बाद आता है टी, इसका मतलब अगला लेटर हमें मिल गया एम ओ टी, ये दो लेटर हो गए और यहां तक हम पहुंच गए 240 प्लस 96, मतलब ये कितना हो गया 3 एंड दिस इज 3 336। मुझे 9 और आगे बढ़ना है, राइट 336 तक हम पहुंच गए। अब 9 लेटर्स को और हमको देखना है, कैसे देखेंगे, तो हमें दो लेटर मिल गए। आप फिर देखिएगा 1 2 3 4, अब एम ओ टी के बाद टी को कट कर दें, सबसे पहले आएगा ई, ई वाले कितने 3 2 1 6, ये 6 भी ऐड कर दें 342, ये भी काम का नहीं, यानी ई यहां नहीं आएगा। ई के बाद क्या आएगा एच, बस यहां से चालू होगी काम, एम टी एच, ये 3 लेटर मिल गए, क्योंकि इसके बाद और लेते तो 6 होता, 6 से 348 हो जाता, इसलिए तो एम टी एच ये खत्म। अब उसके बाद ये होगा ई ओ आर, दिस इज 343, एम टी एच ई आर ओ 344, ये समझाने के लिए लिखता हूं, फिर एम टी एच ओ ई आर दिस इज 345, जो आपसे बोला गया है एम टी एच ओ ई आर, ये वो आंसर होगा जो आपसे बोला गया है, राइट right? यानी इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक बार आपने कंसेप्ट बना लिया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक आध बार और करते हैं हम इसको सॉल्व, तो आपको और क्लियर होगी पिक्चर की करना क्या होता है। तो अच्छे से समझिएगा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा आपको बनेगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए लिया कि अक्सर पूछा जाता है अगेन। अब आपसे इसमें दो तीन चीजें समझता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं देखूं तो अगेन के अगेन वर्ड से अगर मैं आपको बोलूं कि इसको एज ए डिक्शनरी अरेंज करें तो फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड अगेन, ये पूछूं तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहां पर 5 लेटर है, 1 2 3 4 5। अगर मैं बोलूं 5 लेटर को अरेंज करने के तरीके, तो आप बोलते हैं फैक्टोरियल 5, या वही सेम जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल समझाया, 4 5 4 3 2 1 अपॉन 2, मतलब 60, यानी टोटल वर्ड जो हैं वो 60 बनेंगे, राइट टोटल वर्ड जो हैं वो 60 बनेंगे। अब इस 60 का पहला वर्ड क्या होगा, सेकंड वर्ड क्या होगा, थर्ड वर्ड क्या होगा, तो आपसे इसमें दोनों चीजें बताऊंगा। एक तो रैंक निकालना सिखाऊंगा कि आपको किसी वर्ड की रैंक निकालना तो कैसे निकालेंगे, एंड सेकेंड थिंग कि आपको रैंक दे के वर्ड बताना होगा। इस क्वेश्चन में भी हम यही करते हैं क्योंकि लेटर रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझें कि हम क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेटिकली जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा ए फिर जी फिर आई और फिर एम, ये पहले तो अरेंज हो गया, राइट। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि सबसे पहला वर्ड क्या बनने वाला है तो ये बनेगा AAGIN, सबसे आखिरी वर्ड क्या बनने वाला है तो आप बोलेंगे NIGAA, ये। अब जो ये स्टैंडर्ड बता इसलिए रहा हूं कि कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कई जगह हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड अगेन तो क्या होता। अब अगेन में देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इसी की रैंक पूछी तो सबसे पहला वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट होगा, आपको ए ही चाहिए तो ए को कट कर दिया आपने। अब इसके बाद अगला जो वर्ड आने वाला है वो भी ए से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, तीनों नॉन रिपीटेड है, 3 2 1 यानी 6, ये नहीं है।
ए के बाद क्या आएगा, जी। तो ए के बाद अगर हमने जी लिया तो जी को कट किया, अब जी को कट करने के बाद ए आई एन आना चाहिए और ए आई एन ही है, तो ये हो गया वन। तो टोटल क्या हो गया, तो अगेन की रैंक क्या हो गई, सेवन। क्या रैंक हो गई अगेन की, सेवन। अब मान लो मैं आपको इस वर्ड की जगह कोई और वर्ड देता, मान लो मैं इसमें ऐसा बोल देता, सपोज कि आपको मैं बोलता एन जी ए आई ए, इस वर्ड की रैंक बताओ, राइट। मैंने क्वेश्चन दिया एन जी ए आई ए, इस वर्ड की रैंक बताओ, तो क्या करते हैं आप, आपको ये पता है टोटल इसमें 60 वर्ड बन रहे हैं, तो इन 60 वर्ड में आपको किसकी रैंक बताना, एन जी ए आई ए। कैसे बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फिर अगेन हम आते हैं कि इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करा, तो क्या आएगा, ए ए आई ए ए जी आई और एन। अब आपको पहला लेटर एन चाहिए, पर पहले लेटर पे एन की जगह पहले क्या आ सकता, ए भी आ सकता, जी भी आई भी। अब याद रखिएगा, अगर आपने ए से स्टार्ट, अब ये ए रिपीट हो रहा है तो ऐसे में केयरफुल हो जाएगा, जब भी लेटर रिपीट हो रहे हो तो केयरफुल होकर करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, नहीं तो मिस्टेक आपकी हो सकती। तो अब यहां पर एक चीज समझिएगा, सबसे पहले प्लेस पर आपने मान लो ले लिया ए, अब 1 2 3 4, अब ए पे हाथ रखो तो चारों लेटर डिफरेंट है, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 24, यानी आपका आंसर 24 के आगे आएगा क्योंकि आपका पहला स्टार्टिंग लेटर एन है। अब ए के बाद अगला लेटर आएगा जी, तो जी या आई आपकी रिक्वायर्ड नहीं, इनको एक साथ ले सकते हो आप, जी और आई, तो इसके वे हुए 2। अब देखिए यहां पर थोड़ा सोचिएगा कि अगर आपने जी लिया होता तो भी ए दो बार आ रहा है, आई लिया होता तो भी ए दो बार आ रहा है, यानी इस पे हाथ रखूं तो इन 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके बोलो 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है। यही चीज याद रखिए, जब भी लेटर रिपीट हो रहे हो तो आप केयरफुली करिएगा, जब तक आप 15-20 क्वेश्चन नहीं करेंगे डिक्शनरी के आपके कंसेप्ट बने ही नहीं पाएंगे। तो ये हो गया कितना, 12 और ऐड कर दीजिए 36, तो मतलब ना जी काम का ना आई काम का। अब क्या है एन, अब आपका लेटर आ गया पहला, एन को फिक्स किया, एन को फिक्स किया, एन को कट किया। अब आपसे पूछा जाएगा अगला लेटर क्या आएगा, तो आपको अगला मिलेगा ए, देन अगेन देखिए अलग अलग करिएगा अच्छा रहेगा, ए के बाद जी चाहिए, ए आएगा, ए वाले कितने, ए पे हाथ रखो तो तीनों नॉन रिपीटेड है, 3 2 1 यानी 6 और ऐड कर दीजिए, ए के बाद क्या आएगा, जी, आपको जी ही चाहिए, एन जी, 2 फिक्स हो गए, कट करिए, जी के बाद क्या आएगा, ए, वो भी आ गया, वो भी फिक्स कर दीजिए, फिर चाहिए आई ए, पर आएगा पहले ए आई और फिर आएगा एन जी ए आई ए, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो 42, ये 43, ये 44, यानी 44 पोजीशन पे जो मैंने आपसे वर्ड बोला है वो आएगा, ये इसका तरीका है। अब आपको ध्यान होगा कि ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है और ये बहुत स्टैंडर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड इन 49th रैंक, 49th रैंक पे कौन सा वर्ड आएगा, अगर रैंक 49 है तो अगेन में कौन सा वर्ड आएगा। अब देखिए इसको फिर समझते हैं हम और इसको करते हैं सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से करिएगा आपको अपने आप समझ में आएगा। नंबर वन, कि जैसे ही मैंने बोला कि 49 पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम यहां पर फिर अरेंज करें ए ए जी आई और एन। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले 49 तक जाना है कितने होंगे, 4 3 2 1, ए को हाथ रख लिया, रिपीट नहीं है, 24। ए के बाद जी वाले, अब यहां अलग करिएगा, जी वाले जब जी पे आएंगे तो हाथ रख दीजिए, 4 3 2 1 / 2, वाई 2 बिकॉज ए रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 36, आपको तो 49 तक जाना है। जी के बाद आई आएगा, आई वाले भी सेम 12, यानी 48, ये 48 तो हो गया, अब आई से भी नहीं होगा, इसका मतलब एन से होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 48 तक जाएगा। देखिए बुक का क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड है तो एकदम नियरेस्ट आता है, अब 49 पे होगा एन, फिर डबल ए जी आई, दिस इज पोजिशन ऑफ 49th वर्ड, यानी ये तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे तो आपसे मिस्टेक कभी भी नहीं हो सकती।
एक और क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज लेते हैं। सीरीज की अगर आपसे रैंक पूछी जाए, इसमें दो बार लेटर रिपीट हो रहे हैं, इसमें दो बार लेटर रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से? देखिए एस ई आर आई ई एस, राइट। अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखें तो ई आ गया, फिर ई के बाद आई आ गया, आई के बाद आर आ गया, आर के बाद एस और एस आ गया। ये अरेंज हो गया, राइट। ये पूरा अरेंज हो गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके टोटल कितने वर्ड बनेंगे ये जरूर निकाल लीजिएगा। सिक्स लेटर हैं, 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 factorial 2 factorial, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल, 30 × 6 यानी 180 टोटल वर्ड बनने वाले हैं। इसी में से कहीं आंसर होगा। सीरीज के लिए आपको एस तक जाना है, इसका मतलब ना ई से स्टार्ट होगा, ना आई से, ना आर से। इसमें फिर वही मिस्टेक होने वाली, जब भी लेटर रिपीट हो अलग अलग करिए, नहीं तो मिस्टेक होगी। तो सबसे पहले आपने ले लिया ई, अब जब ई ले लिया तो ई पे हाथ रख दीजिए। अब ये 5 letters हैं, अब इन 5 letters को मैं बोलूं अरेंज करो तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। 5 को अरेंज करने के तरीके 5 4 3 2 1 अपॉन दो बार एस आ रहा है, ये कैंसिल, 20 × 3 दिस इज 60। पर ई के बाद अगर मैं बोलूं आई आए, या आई वाला देखते हैं क्योंकि हमें एस तक जाना है, तो आई और आर आए ये एक साथ ले सकते हैं, आई और आर, क्योंकि ये अलग अलग है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 ways हुए। अब बोलिए, अब बोलिए, अब आई आर में कोई एक आए तो देखिए क्या बोलेंगे, 5 4 3 2 1 अपॉन 2 factorial 2 factorial, बिकॉज आई आया तो दो बार ई दो बार एस, आर आया तो दो बार ई दो बार एस, कितना ये हो गया 120 by 4 दिस इज 30, यानी आपका आंसर 60 + 30 दिस इज 90, इसके ऊपर आएगा। अब आई और आर के बाद क्या आएगा, एस, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जैसे ही एस आए तो कट कर दीजिए, ये एस आ गया। अब आपको एस के बाद क्या चाहिए, ई, ई ही आएगा तो एक और पोजीशन फिक्स हो गई, ई। ई के बाद आपको चाहिए क्या, आर, पर आएगा क्या, ई के बाद आपको चाहिए, दो पोजीशन फिक्स हो गई, आर, पर आएगा क्या पहले, ई के बाद पहले ये वाला ई आएगा, फिर ये वाला आई, फिर आर आएगा। तो अब देखिए, ये भी ई खत्म, ये भी एस खत्म, रिपीट वाले खत्म, रिपीट वाले खत्म। तो अब इसका मतलब हम चाहें तो एक बार में कर सकते हैं, हमें ई और आई वाले नहीं चाहिए। तो ये 2 way हुए, और 3 2 1 6 2 12, ये 12 और ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 102, पर ये काम के नहीं थे। अब ई और आई के बाद क्या आएगा, आर, आर काम का है, तो हम लिखेंगे एस ई आर, 3 letters फिक्स। अब क्या आएगा, पहले ई आई एस, पर आपको चाहिए आई ई एस, ठीक है, तो आपको इसका मतलब ई आई एस नहीं चाहिए। इसके बाद मैं बोलूं ई आई एस के बाद क्या आएगा, तो आपको भी पता ई आई एस के बाद आएगा एस ई आर ई एस आई, ये भी नहीं चाहिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एस ई आर, ई खत्म, तो ई के बाद आएगा क्या, आई, पर आई के बाद ई एस ही चाहिए आपको, तो ये हुआ 103 104 एंड 105, तो करेक्ट आंसर इज 105। प्रैक्टिस करोगे, कई सारे क्वेश्चंस करोगे, अपने आप बनेगा, कई बार समझो कई बार पढ़ो, अपने आप आएगा। नोट करो क्वेश्चन को,